नमस्कार दोस्तों, मैं बेस्ट हिंदी न्यूज़ और फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ का चीफ एडिटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली में। मैं आपको एक रथ दिखा रहा हूँ। ये रथ है जिस पर एक यात्रा निकाली गई थी, जिसका नाम था भारत स्वाभिमान यात्रा, शहीद स्वाभिमान यात्रा। ये यात्रा निकाली थी दिल्ली और एनसीआर के युवा नेता सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी ने। ये यात्रा 25,000 किलोमीटर की थी, जिसको पूरे होने में 90 दिन लगे और 29 राज्यों में ये यात्रा निकाली गई। अभी हम सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी से पूछेंगे कि यात्रा क्यों निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या था और यात्रा निकालने में उन्हें किस प्रकार का अनुभव मिला। ये आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है शहीद स्वाभिमान यात्रा 25,000 किलोमीटर 90 दिन 29 राज्य। ये यात्रा निकाली गई थी 29 मार्च 2018 को इंडिया गेट से 3 बजे। शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी। अभी सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी खुद बताएंगे उन्होंने ये यात्रा क्यों निकाली, उनका उद्देश्य क्या था। ये आप देख रहे हैं ना, सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी जी आपके सामने हैं। उन्होंने इतनी बड़ी और विशालकाय यात्रा निकाली थी। हम उनसे पूछते हैं कि यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या था, अभी आप खुद बताएंगे। बिधूड़ी जी, ऐसा आपके मन में क्या आया कि आपने इतनी बड़ी यात्रा निकालने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कर दिया? बचपन से एक सोच थी शहीदों के लिए कि शहीदों के लिए कुछ करना है। बचपन में मूवीज देखी थी हमने शहीद आजम भगत सिंह की, कि जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ नौजावर कर दिया, तो मन में ये था कि इन शहीदों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। जो आने वाला युवा है, इन शहीदों को भूल ना जाए। पीछे से पॉलिटिकल कैरियर रहा है, फादर 3 बार दिल्ली से MLA रहे हैं, बेस्ट MLA का अवार्ड रहा है। कम से कम 15 साल मैंने उनके साथ काम करा है उसमें। तो मैं ये देखता था कि 5 साल वो जनता जिताती है और 5 साल हराती है, वो मैं क्रम देखता आ रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स मुझे सूट नहीं करती थी। मुझे लगता काम करने वाले को भी अगर लोग हरा देते हैं, तो मैंने सोचा मैं देश के लिए ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मैं किसी सीट से बना ना हूँ कि मुझे कोई हराए जिताए, कि मुझे 5 साल बैठाए। तो मैंने अपना एक संगठन बनाया स्वाभिमान देश का। अच्छा। जो संगठन समर्पित है सब शहीदों के लिए, जितने भी देश के लिए शहीद हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जितने शहीद हुए उन सब शहीदों के सम्मान में संगठन बनाया है। और संगठन बनाकर सबसे पहले मेरी सोच ये रही कि पूरे हिंदुस्तान में उन सब शहीदों को एक अलग जगह, उन शहीदों के बारे में फिर से बताऊं लोगों को कि जिनकी वजह से आज हम आज़ादी का सूरज देख पाए हैं, वो कहीं ना कहीं उन सब शहीदों की वजह से आज कहीं ना कहीं उनकी ना बातें होती है, ना स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं आज भी शहीद आजम भगत सिंह को शहीद दर्जा नहीं, उनको आतंकवादी लिखा जाता है। वो मन में कसक थी कि आज तक मतलब उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, आतंकवादी उनको लिखा जाता है, कि जिन्होंने अपना सब कुछ देश में नौछावर कर दिया, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आने वाली पीढ़ी ना हमें माफ करने वाली है और ना आने वाली सरकारों को माफ करने वाली है। तो मेरा तो यही एक मोटिव था कि पूरे हिंदुस्तान में घूमकर इन शहीदों का अलग जगाऊं। और पूरे हिंदुस्तान में 25,000 किलोमीटर की यात्रा रही हमारी, 95 दिन 95 डेज। अच्छा। और 29 राज्य पूरे हिंदुस्तान में हम गए, और पूरे हिंदुस्तान में हमने दिल्ली से स्टार्ट करा, दिल्ली से हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका, तमिलनाडु, अपना उसके ऊपर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जितने 29 स्टेट है सब जगह हमारी यात्रा गई। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमें सपोर्ट करा इस यात्रा में, अगर मैं चाहे MLA, MP या CM भी बनता तो उस तरीके का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता। लोगों ने दिल से मुझे सपोर्ट करा इस यात्रा में, और लोगों ने जहां भी हम गए बहुत मान सम्मान दिया। जिस दिन मैं निकला था यात्रा के लिए, मुझे नहीं पता था कि मुझे राजस्थान में कौन मिलेगा, पंजाब में कौन मिलेगा, या महाराष्ट्र में कौन मिलेगा, या नॉर्थ ईस्ट में कौन मिलेगा। पर सोच अच्छी थी, नीयत अच्छी थी। जब आपकी सोच और नीयत अच्छी होती तो पूरी कायनात कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाती है। तो मेरे साथ तो पूरे उन शहीदों का आशीर्वाद रहा इस यात्रा में। कहीं भी मेरी इस यात्रा में कहीं विघ्न नहीं आया। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रही हैं, वो आती रहती हैं, इतना तो आनी भी चाहिए। पर कहीं ऐसा नहीं लगा कि इस यात्रा को मैं समाप्त कर दूं या खत्म कर दूं, कि
95 दिन घर से निकलना, जहां भी गया लोगों ने बड़ा सम्मान किया। 95 डेज बहुत बड़ा होता है, पर लेकिन जिस दिन मैं निकला 23 मार्च को यात्रा हमारी स्टार्ट हुई और 25 जून को यात्रा का दिल्ली में समापन हुआ था। पर मुझे 95 दिन कहां निकल गए मुझे नहीं पता चला बिल्कुल, क्योंकि एक मिशन पे हम निकले थे और हर रोज एक नया दिन होता था और एक नए लोग मिलते थे और हर जगह हर प्रदेश में जहां हमें लगा कि इस प्रदेश में कोई नहीं है वहां सबसे अच्छा हमारा स्वागत रहा। नॉर्थ ईस्ट में हमें नहीं मालूम था कि हमें कौन मिलेगा, पर वहां पे जितने भी प्रेस के लोग मिले उन्होंने हमारा सपोर्ट करा, हर एक प्रेस में वहां होता था। उसके बाद साउथ में ना हमारी भाषा उनको समझ में आती थी क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश हम समझा नहीं पाते थे उनको। पर सबसे अच्छा जो हमारा रहा साउथ रहा, साउथ में हमारे एक जानकार वहां पे मिले राम रवि, उन्होंने हर एक जगह में लेके गए और जितना स्वागत हमारा साउथ में हुआ उतना हमारा खुद, चाहे हम अपने नॉर्थ के हैं नॉर्थ में इतना अच्छा स्वागत नहीं हुआ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। फिर यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद अब ये यात्रा का हमारा खाली एक ही मकसद है कि जहाँ भी हम गए हम शहीदों के जहाँ भी स्टैचू थी, चाहे उनकी जन्मस्थली थी, चाहे उनका जन्म हुआ था, चाहे उनकी समाधि थी, वहां से हमने पवित्र मिट्टी हमने ली, थोड़ी थोड़ी पवित्र मिट्टी हमने इकट्ठी करी, उस पवित्र मिट्टी से हम शहीद आजम भगत सिंह एक बड़ा स्टैचू जो कम से कम 100 फीट से आसपास होगा, 100 फीट से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है, उस स्टैचू और स्मारक में पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूँ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी शहीद हुए उनके बारे में हमें और आपको नहीं पता है, पर मैं चाहूंगा स्मारक में पता हो, जो भी आने वाली जनरेशन आए तो उनको पता रहे कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ से चाहे बिहार से यूपी से जितने भी शहीद हुए सबके बारे में उस स्मारक में बताया जाएगा। वो स्मारक आने वाली पीढ़ी के लिए एक समर्पित स्मारक होगा कि आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि किस तरीके से हमारे उन शहीदों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो ये एक स्टैचू बनाने की हमारी मुहिम है और इसके बाद हम पूरे यात्रा करने के बाद हर प्रदेश में जाने वाले हैं, जैसे दिल्ली में हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 दिन की यात्रा, हमारी 30 दिन की दिल्ली में होगी। हम हर एक युवाओं से मिलेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो स्कूल और कॉलेज में जाके हम सब युवाओं से कहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप सबका समर्थन उस स्टैचू में रहे, चाहे वो 1 रुपये दे हमें दान के रूप में, चाहे 10 रुपये दे, चाहे 5 पैसे दे, कुछ भी दे, पर मैं चाहूंगा हर एक युवा उसमें अपना योगदान दे, उनको ये लगे कि शहीद आजम भगत सिंह की जो इतनी बड़ी स्टैचू बन रही है उसमें पूरे युवाओं का योगदान रहा है। और ये आने वाली पीढ़ी के हमारा एक ऐसा एक स्मारक होगा कि जो आने वाली पीढ़ी भी देखेगी इस स्मारक को। अच्छा, नहीं जो आपने यात्रा निकाली थी आपके साथ कितने लोगों की टीम आपके साथ थी? हमारे साथ 15 लोग थे। तो आप देख रहे हैं एक रथ हमने बनाया था शहीदों के सम्मान में, इस रथ में और एक गाड़ी स्कॉर्पियो हमारे साथ होती थी। अच्छा, इसी में पूरे 95 दिन हमने इस यात्रा इसी रथ के उससे करी और 95 दिन में, नहीं तो आप 95 दिन अगर आप गाड़ी भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए, 95 दिन में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब आपका मकसद है कि शहीद भगत सिंह जी, पहली बात उन्हें शहीद का दर्जा मिले और आप दिल्ली NCR में उनकी एक स्टैच्यू बनाना चाहते हैं जी, उसके लिए आप सरकारों से क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि दिल्ली में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग सरकार है, पंजाब में अलग सरकार है, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खाली उनसे मिलेंगे जब हम पूरा एक अपना सारा एक वीडियो, सारे जितने हम 95 डेज गए हैं जहाँ जाए पूरा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो सारे एल्बम बना रहे हैं, उस एल्बम और एक लेटर लेकर हम जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने शहीदों के सम्मान में बड़ी यात्रा करी है, हम चाहते हैं सरकार से कि आप हमें जमीन अलॉट कर दें, अगर आप जमीन अलॉट कर देंगे तो हमें ईजी हो जाएगा स्मारक बनाने में। अगर सरकार अलॉट भी नहीं करेगी उसके बाद भी हम लोगों के पास जाएंगे, चाहे चंदा के रूप में इकट्ठा करें, पर वो स्मारक हम बनाएंगे जरूर। आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि स्मारक बनाकर ही रहेंगे? बिल्कुल, जैसे ये हमारी यात्रा हुई है, यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है, शहीदों के सम्मान में इतनी बड़ी यात्रा आज तक हिंदुस्तान में आजादी के बाद इतनी बड़ी यात्रा नहीं करी। लोगों ने राजनीतिक यात्रा की होंगी, कोई व्यापारिक यात्रा की होगी, कोई धार्मिक यात्रा करी होगी, पर लेकिन देश के शहीदों के सम्मान में इतनी बड़ी यात्रा नहीं करी गई है। अच्छा, तो ये हैं सुरेंद्र सिंह विधोड़ी, इन्होंने फेसबुक पेज पर भी पेज बनाया है स्वाभिमान देश का। अब ये चाहते हैं शहीद भगत सिंह, शहीद तो हम बोलते हैं लेकिन उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, इनकी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है और मिशन भी है, दिल्ली NCR चाहे हरियाणा चाहे पंजाब और चाहे दिल्ली, शहीद भगत सिंह का एक स्टैचू स्मारक बनाना चाहते हैं ताकि भारत के लोग उन्हें देखें समझें, उनके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, सभी युवा को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भगत सिंह थे उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसे
शहीद को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। हम आशा करते हैं, साथ ही अपील भी करते हैं, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार इनकी मांग को मंजूर करे। भारत सरकार से भी हमारी मांग है एक मीडिया के रूप में, क्योंकि इनका मिशन बहुत ही अच्छा है, विजन भी अच्छा है, शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिले और स्टेच्यू बनाने की मांग भी पूरी की जाए। आप लोगों से विदा लेते हैं। बेस्ट हिंदी न्यूज़ फरीदाबाद, लेटेस्ट न्यूज़ के चीफ एडिटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।